हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पालक पनीर की सब्जी बनाते टाइम हर बार प्रॉब्लम आती है कि सब्जी थोड़ी देर बाद ब्राउन होने लग जाती है, उसका फ्रेश ग्रीन कलर नहीं रहता है। इस वीडियो में मैं आपको सब्जी बनाने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि सब्जी का कलर 2-4 घंटों बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ मैंने एक गड्डी पालक की ली है। इसे मैंने 2-3 पानी से साफ धोकर रफली चॉप करके ले लिया है। फिर यहाँ मैंने एक प्याज को स्लाइस करके लिया है। एक टमाटर को मैंने यहाँ पे स्लाइस करके ले लिया। 8-10 कली लहसुन की, 3-4 हरी मिर्च, 10-12 मैंने यहाँ काजू लिए है। काजू डालने से इसमें एक अच्छा रिचनेस आ जाएगा सब्जी में। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का चॉप करके लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर ले लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लिया। उसमें फिर मैंने 3 लौंग, 3 काली मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सबको डालकर सॉटे कर लिया है 5-10 सेकंड के लिए। फिर उसमें मैंने स्लाइस किए हुए प्याज डाल दिए और इसे मिक्स कर इसे कुक किया है जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। फिर इसमें मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर और काजू डालकर इसे मिक्स कर लिया और टमाटर सॉफ्ट होने तक मैंने यहाँ पे इसे कुक किया है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हुआ, मैंने इसमें जो चॉप करके हमने पालक रखा था उसे डाल के एक बार प्रेस कर दिया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया। पालक को टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। स्टार्टिंग में आपको पालक बहुत सारी लग रही होगी, पर जैसे जैसे वो कुक होगी वो एकदम रिड्यूस होती जाएंगी। टमाटर, पालक, प्याज में अपना एक पानी रहता है, तो हम जैसे ही इसे कुक करते रहेंगे उसके अपना पानी छूटेगा। ये देखिए कैसा कितना सारा पानी इसका छूट गया है। इसे हमें कुक करना है जब तक कि पूरा पानी सूख ना जाए और टमाटर, प्याज, पालक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ये हमारी सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है, पानी भी सूख गया है। यहाँ मैंने गैस को बंद कर इसे अच्छे से ठंडा कर लिया और फिर इसे मिक्सर जार में डालकर इसकी एकदम बारीक प्यूरी बना ली है। हमें यहाँ इसे दरदरा नहीं रखना है, एकदम बारीक प्यूरी बना के लेना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, लास्ट तक भी ये सब्जी का कलर ऐसा ही रहेगा। फिर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया, उसमें 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने तेल डाल दिया है और जैसे ही वो गर्म हुआ मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच शाह जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसे सॉटे कर लिया 10 सेकंड के लिए। फिर इसे मैंने जो हमने पालक की प्यूरी बनाई है उसे डाल दिया और इसे एक बार मिक्स कर लिया। और उसी मिक्सर जार में मैंने बस 1 चम्मच जितना पानी डाल के उसे घुमाकर इसमें डाल दिया है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये सब्जी में पानी नहीं डलेगा बिल्कुल भी ज़्यादा। फिर इसे मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए कुक किया जब तक कि उसमें बबल्स ना आ जाए। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक डालकर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने पालक को कुक करते टाइम भी नमक डाला था। इसमें मसालों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाली है। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई को भी फेंट के डाल सकते हो। फ्रेश क्रीम को भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया और 2 मिनट के लिए कुक किया है। फिर इसमें मैंने 1/4 चम्मच शक्कर डाली है। शक्कर डालने से सभी मसालों के फ्लेवर्स और इन्हांस होकर आते हैं। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर पनीर के पीसेस को डाल दिया है और एकदम हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ज़्यादा ज़ोर से ना करें वरना पनीर के टुकड़े हो जाएंगे। फिर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको सब्जी ठीक लगे तो इसे इसमें ठंडा दूध डालकर आप इसे पतला कीजिएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। दूध डालने से उसका कलर वैसा का वैसा रहेगा, बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। ये हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके एकदम रेडी है। इसका कलर कितना अच्छा फ्रेश ग्रीन आया है, हमें ऊपर से कलर डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। ये रेसिपी मुझे मेरे मामी जी ने बताई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में एक बार उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना। ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। भाई की रसोई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।